नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षय आनंद। आज राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद का 22वां स्थापना दिवस है, जिस अवसर पर प्रदेश कार्यालय में खूब तैयारियां की गई हैं। लेकिन जो बातें चर्चा में थी वो ये थी कि आज लालू यादव की बड़ी बहू ऐश्वर्या की राजनीति में लॉन्चिंग हो सकती है। यह कयास इसलिए लगाए जा रहे थे क्योंकि पहली बार ऐश्वर्या राय, जो कि तेज प्रताप यादव की पत्नी हैं और लालू यादव की बड़ी बहू हैं, उनके फोटो को राजद के बैनर पर देखा गया था। जी हां, कार्यकर्ताओं द्वारा राजद कार्यालय, राबड़ी आवास और पटना के अन्य जगहों पर 22वें स्थापना दिवस के पोस्टर्स लगाए गए थे, जिसमें पहली बार ऐश्वर्या राय की भी तस्वीर लगाई गई थी। इससे यह माना जा रहा था कि 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर यानी कि 5 जुलाई को लालू यादव की बड़ी बहू पॉलिटिक्स में एंट्री कर सकती हैं, उनकी लॉन्चिंग हो सकती है। बहरहाल तेज प्रताप यादव से जब लाइव सिटीज ने बात की तो उन्होंने यह साफ कर दिया है कि ऐश्वर्या राय अभी राजनीति में नहीं आ रही हैं, फिलहाल वो एक बहू का कर्तव्य निभा रही हैं, घर पे सास ससुर की सेवा कर रही हैं, एक अच्छे बहू की तरह घर के कामों का देख रेख कर रही हैं। हालांकि ऐश्वर्या खुद भी राजनीतिक घराने से ताल्लुकात रखती हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कल कहा है कि ऐश्वर्या राय को तो राजनीति विरासत में मिली है, मगर फिलहाल उनकी राजनीति में एंट्री नहीं हो रही है। यह साफ किया है तेज प्रताप यादव ने। आज 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजद कार्यालय में जो आयोजन हुआ है उसका उद्घाटन तेजस्वी यादव करेंगे, साथ में तेज प्रताप यादव भी रहेंगे। और यह पहला अवसर होगा कि राजद के स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद यादव नहीं रहेंगे, क्योंकि वो मुंबई में हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं और इस कारण से वो आज पटना नहीं आ पाए हैं और 22वें स्थापना दिवस पर शामिल नहीं होंगे। बहरहाल क्या कुछ राजनीतिक हलचल रहते हैं, इसके ताजा तरीन अपडेट्स लाइव सिटीज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। आप हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।